हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल द इमिग्रेशन गुरुज। दिस इज जितेंद्र ग्रोवर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स एट नॉर्थन अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेट शॉर्ट में। नेट जो है एडमिंटन में है और ऐसा ही सेम इंस्टीट्यूट सेट है SAIT, इट इज इन कैलगरी। इट इज अ रियली गुड इंस्टीट्यूट। बोथ आर कॉलेजेस बट बोथ आर गवर्नमेंट कॉलेजेस, रियली पॉपुलर। दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। एंड यूजी प्रोग्राम जो है नेट में, I am going to discuss all those programs right now, which are open right now for September intake and January intake both. I am sharing these programs in this particular video. Before that, really quick update. अगर आपको अभी एप्लीकेशन लगानी है द इमिग्रेशन ग्रुप के साथ, इन दैट केस यू कैन सबमिट योर फर्स्ट एडमिशन एप्लीकेशन फॉर फ्री। एप्लीकेशन फी विल बी जीरो इफ यू आर गोइंग टू सबमिट योर एप्लीकेशन टिल जुलाई 1, कैनेडा डे तक अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो नेक्स्ट 15-16 डेज में, इन दैट केस योर एप्लीकेशन फी इज गोइंग टू बी जीरो। नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड कॉलेज, किसी भी प्रोग्राम किसी भी कॉलेज के लिए फर्स्ट एडमिशन एप्लीकेशन फी आपकी जीरो रहेगी। सो यू कैन सिक्योर योर एडमिशन फॉर फ्री। सो शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जिनको भी जाना है एंड दे आर लुकिंग टू सिक्योर एडमिशन, एंड देन लेटर ऑन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू प्रोसीड और नॉट। तो वो आपका डिसीजन है, वो बाद में कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सिक्योर एडमिशन एंड यू विल बी एबल टू सेव एटलीस्ट 6,000 रुपीज, क्योंकि जनरली $100 एप्लीकेशन फी रहती है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एप्लीकेशन फीस से भी ज्यादा है, $115 है, एंड यू विल बी एबल टू सेव 6,000-7,000 रुपीज ऑन ईच एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन सबमिट करेगा इन नेक्स्ट 14-15 डेज। लोकेशन वाइज नेट इज सिचुएटेड इन रियली गुड लोकेशन। एडमिंटन के सेंटर में है, सो इफ यू वॉन्ट टू लिव इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ एडमिंटन या साउथ पार्ट, जहां पे आपको रहना है, सो यू कैन लिव वेरी इजिली। और सेंटर में है, सो डाउनटाउन के पास ही है, सो यू कैन कम्यूट वेरी इजिली। सब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। सो लोकेशन वाइज नेट की लोकेशन इज रियली सुटेबल लोकेशन एंड एडमिंटन इटसेल्फ, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाई है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस इन एडमिंटन और जॉब्स इन एडमिंटन। तो कहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, आई लिव्ड इन एडमिंटन ऑन नॉर्थ साइड, तो अगर आप नॉर्थ साइड पे रहते हैं तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स कम रहते हैं, सो यू कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज देयर। So you can check that video. It is related to McEwan University in Edmonton, but I have shared all those things in that video as well. Must check that video if you want to understand about Edmonton overall. So location wise, NET is really situated in really great location. So location बहुत अच्छी है Edmonton में. Overall city is also really good in terms of expenses, safety, everything is really good there. So let's check the programs. Program, first we are discussing UG programs, UG Diploma in Business Administration. There are multiple specializations. One is marketing, and marketing fees approximately 21,000 per year. And 2 years ki aapko ye 42,000 ke aaspas padegi, 40,000 ke aaspas padegi approximately. Second year mein fees thodi si kam hoti hai. And it is open for September intake and January intake. So both the intakes are open, so we can proceed for September intake right now as well. We can secure admission really quickly and then we can apply for visa. So this month ke andar sara kaam complete karke visa apply ho sakta hai, so it is possible, or maybe in the first week of next month, so we can submit your visa application, and there is good possibility that you can still catch September intake, so it can save a lot of time for you. Ek intake bach sakta hai. And application fee वैसे $115 है, but we are giving you the application fee waiver, so it is going to be zero if you are going to submit application in next 15 days. Requirement wise, 12th grade aapko required hai with 50% marks, so that is quite fine, quite nominal. IELTS requirement 6.5, no less than 6. Agar IELTS mein aapka ye score nahi hai, score kam hai, in that case TOEFL requirement is overall 80, PT overall 55, Duolingo 115. There is one quick update related to SDS visa category. If you are going to submit your application after 10th of August, so in that case you can submit your application. अगर आपके IELTS academic में overall 6 है तब भी आप submit कर सकते हैं, TOEFL में 83 है तब भी कर सकते हैं, PT में 60 है तब भी कर सकते हैं. So अगर आपका आप ये test दे चुके हैं तब भी SDS के अंदर application जाएगी, लेकिन August में visa apply करेंगे तब जाएगी. So you can hold your application and we can proceed for January intake and submit your application in August, and that can work for us because application SDS mein agar submit hoti hai, to in that case visa acceptance rate is quite high, so that will be highly recommended. So 6.5, no less than 6, agar nahi bhi hai, overall 6 hai, tab bhi Duolingo ke sath apna admission le lo, and we will use overall 6 for your visa application, and August mein we can submit your application. Second option hai general management ka. मार्केटिंग अगर आप करते हैं मार्केटिंग में या जनरल मैनेजमेंट में, इफ यू हैव लाइक
कॉमर्स बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड, इन बोथ द सिचुएशन यू कैन गो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल मैनेजमेंट और मार्केटिंग, आप किसी किसी भी चॉइस के साथ जा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। फी इज सेम, सितंबर जैन दोनों इंटेक के लिए ओपन है, एप्लीकेशन फी इज आल्सो सेम, सो ऑल द थिंग्स आर सेम। थर्ड स्पेशलाइजेशन इज एचआर मैनेजमेंट, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड तो एचआर मैनेजमेंट इज अ रियली सुटेबल ऑप्शन, सो दैट कैन वर्क फॉर यू, सो यू कैन लुक फॉर थर्ड ऑप्शन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। कॉमर्स के लिए इट इज नॉट रियली सुटेबल अंटिल अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस इन एचआर, बट अगर एक्सपीरियंस है तब जा सकते हैं, अदरवाइज आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए इट इज अ रियली सुटेबल ऑप्शन ऑप्शन। नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड वन मोर ऑप्शन इज देयर, दैट इज अकाउंटिंग, सो फाइनेंस और अकाउंटिंग ये दोनों ऑप्शन भी है आपके पास। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड दिस इज अ रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल ऑप्शन, सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन और अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन, इन दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट, आप दोनों में से कुछ भी चूज कीजिए एंड यू कैन प्रोसीड विद दिस ऑप्शन, सो दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है, कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप आते हैं तो बहुत आर रियली सुटेबल फॉर यू। नेक्स्ट इज पर ईयर ऑफ यूजी डिग्री, अगर आप बैचलर डिग्री करने जाते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देर आर स्पेशलाइजेशन, अगेन फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है, फी इज लिटिल बिट लेस, सो फी इज अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू बी $19,000 अप्रोक्सीमेटली पर ईयर, 4 साल की डिग्री होगी, यूजली स्टूडेंट्स करते नहीं है, बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू डू 4 ईयर्स ऑफ डिग्री, आपको बैचलर्स ही करनी है, सो इन दैट केस इट इज रियली सुटेबल ऑप्शन। एलिजिबिलिटी इज सेम जो पहले थी यूजी डिप्लोमा की, सेम एलिजिबिलिटी इज देयर, एंड देर इज एन ऑप्शन अगर आप 2 ईयर्स का यूजी डिप्लोमा लेके जाते हैं तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 4 ईयर की डिग्री में भी, तो यू कैन डिसाइड कि आपको यहाँ आने के बाद कि 2 ईयर डिप्लोमा लेके आए हैं और बाद में उसको डिग्री में कंप्लीट करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी लेस नंबर ऑफ कोर्सेज इन यूजी डिप्लोमा कंपेयर टू बैचलर डिग्री, तो कोर्सेज वही होते हैं, टीचर्स वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, कंटेंट वही होता है, जस्ट नंबर ऑफ कोर्सेज कम होते हैं यूजी डिप्लोमा में कंपेयर टू बैचलर डिग्री, सो डिग्री सेम है, इसमें आपके कोर्सेज ज्यादा होंगे उसमें कोर्सेज कम होंगे, ये आप 4 ईयर्स में कंप्लीट करेंगे उसको आप 2 ईयर्स में कंप्लीट कर लेंगे, सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, सो यू कैन डिसाइड टू एक्सटेंड योर 2 ईयर ऑफ यूजी डिप्लोमा इन टू 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री एज वेल, अगर आपको बैचलर ही कंप्लीट करनी है, आप अपने पीआर लेके वापिस आके क्रेडिट ट्रांसफर लेके अपने यूजी डिप्लोमा के क्रेडिट ऐड करके भी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल, सो दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन। एंड नेक्स्ट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल मैनेजमेंट नॉर्मल मैनेजमेंट ऑप्शन है, तो यू कैन डू दिस एज वेल, चाहे आप आर्ट्स से आ रहे हैं कॉमर्स से आ रहे हैं दोनों में ही अच्छा है, देन जनरल मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर, अगेन आर्ट्स या कॉमर्स दोनों के लिए ठीक है, सो दीज आर द ऑप्शन एंड देर आर मेनी बेनिफिट्स, गो फॉर नेट। फर्स्ट इज राइट नाउ वी आर गिविंग 100% एप्लीकेशन फी वेवर फॉर सेप्टेम्बर एंड जनरल इनटेक, तो एक बेनिफिट तो आपको यहाँ पैसे बच रहे हैं सीधे एप्लीकेशन फी के लिए। सेकेंड इज आपका स्टडी गैप कितना भी हुआ एक्सेप्टेड है, अगर आपने अपनी 12th 2-3 साल पहले भी कंप्लीट की थी तो इन दैट केस एज वेल वी कैन प्रोसीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन, तो गैप का कोई इशू नहीं है इफ यू आर गोइंग टू नेट, एंड बैकलॉग्स का भी कोई इशू नहीं है, सो दोनों ही सिचुएशन में कोई इशू नहीं है, यू कैन जस्ट सबमिट एप्लीकेशन एंड गेट योर एडमिशन एज सून एज पॉसिबल, जल्दी एडमिशन हो सकता है इसके अंदर, एंड ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है, इट इज इजी टू गेट एडमिशन इन नेट, ज्यादा दे आर नॉट रियली फसी टू गिव यू एडमिशन, ज्यादा नखरे नहीं करते हैं एडमिशन देने में, सो यू कैन गेट एडमिशन क्वाइट क्विकली। Another thing is you can join TIG as sales agent. To get more details, you can ping me on my WhatsApp number 9812380882. अगर आपको apply भी करना है just for your admission and visa application, you can leave a message on WhatsApp and I'll check the message and revert you as soon as possible. Also, if someone is interested in taking the franchise of the Immigration Gurus, so you can get more details from me. Share your details, your plan, and we can discuss further for franchise as well. And there are documents required for admission. Just collect all these documents. If you are coming after 12th for this particular, in this particular scenario, we require just 10th, 12th, passport, IELTS. If you don't have IELTS, PT, TOEFL, if you don't have these tests, in that case, Duolingo can also work for admission. And then we can submit application for you. To apply with me, you can ping me on my WhatsApp number 9812380882. And there are other numbers as well. You can approach other team members for your application. Before leaving, like, subscribe, and share the video as much as possible. See you in next video.